नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक नए ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। उमरिया के एक हमारे भाई साहब विनोद रावत जी बोले थे हमें कि भैया हमको सगरा मंदिर का व्यू चाहिए, वहाँ का ब्लॉग बनाइए। तो मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर आ गया और जाते जाते सबसे पहले हमें यहाँ एक बोर्ड देखने को मिला। चलिए देखते हैं इस बोर्ड में क्या लिखा है इस मंदिर के बारे में, जो कि एक हिस्ट्रिकल मंदिर है। तो देखते हैं, देख सकते हैं आप जो इस मंदिर का इतिहास है, जो पुरातत्विक विभाग जो क्या कहता है वो ये सब चीज़ें लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक ये भी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए अब मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना मंदिर है और मैं यहाँ पर काफ़ी पहले से आने को सोच रहा था कि यहाँ पर जाऊँ, और जो कि उमरिया लोकल में ही पड़ते हैं और उमरिया के बाजू में, तो मैंने आज आया और आज इस मंदिर का पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि इस मंदिर का हकीकत क्या है और कितना वर्ष पुराना है और इसे किसने बनवाया था। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हुए हैं और यहाँ पर अभी गर्मी का सीज़न है तो हर शाम में परिसर में पानी चला दिया जाता है। और भाई यहाँ एक दादाजी हैं जो नारियल बेच रहे हैं, और जो गेट के मुख्य द्वार पर अब अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाहर का एक्सप्लोर करवाता हूँ, ये जो कि भैरव बाबा जी हैं, और ये जो पिलर जो खड़े हुए हैं इनको, ये जो पिलर हैं ये भी शायद हिस्ट्रिकल ही है। और जो ऊपर का जो छत बनाया गया है वो अभी का है। इससे पहले मैं एक दिन आया था तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था एक पुजारी जी से, तो उन्होंने बताया था मुझे इस मंदिर का जो है ऊपर का जो छत है वो छत नहीं था, उसे अभी बनवाया गया था। और आप देख सकते हैं ये भी एक पिलर है, ये भी ऐतिहासिक ही है। और बाकी तो ये सब चीज़ें कमरे जो हैं अभी बनाया गया। और चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र का मूर्ति बनाया गया और साथ में हनुमान जी भी हैं। चलिए आगे और देखते हैं, काफ़ी शानदार अच्छा मंदिर है, घूमने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए भगवान विष्णु जी। और ये गर्भगृह का द्वार जो कि यहाँ पर भोले बाबा जी हैं विराजमान हैं, और यहाँ की जो ये नक्काशी आप देख सकते हैं बड़े ही शानदार, कहते हैं कि ऐसा नक्काशी जो है कल्चुरी काल में ही होता था। और जो काक हैं जो अपने काल और अपने इतिहास को दर्शाते हैं कि वो अपने आप में एक अनोखे और अद्भुत हैं। तो सोचिए इनका इतिहास, जो पुराने लोग थे कितने शानदार ढंग से कितना मेहनत करके इस मूर्तियों को बनाए होंगे और कितनी सहजता के साथ। और सामने है गर्भगृह में भोले बाबा जी, देख सकते हैं आप ये नंदी बाबा जी और भोले बाबा जी, जो कि ये बताया जाता है कि ये शिवलिंग जो है ये भी पुराने हैं और लगभग 14वीं शताब्दी का इसका माना जाता है। और यहाँ पर गर्भगृह का ये आप देख सकते हैं कितनी शानदार ढंग से इसे भी एक बनाया गया है, और ऊपर फैन एसी वगैरह सब की व्यवस्था है। और इस मंदिर में हर सोमवार को जो है राम कीर्तन भी होता है। जो अब मैं आपको और दिखाता हूँ कि इस मंदिर परिसर में और कितने मूर्ति हैं, कितने भगवान हैं। ये बाबा जी शायद बिल्कुल नहीं जानता, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे
इस मंदिर के बारे में हमें और समझाएं बताएं। कितनी शानदार व्यवस्था है यहाँ का। आइए अब मैं आपको मंदिर के बाहर परिसर में और कितने देवी देवताओं का जो है मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति है, जिसके बाजू में यहाँ पर ये कौन है मैं इनके बारे में तो नहीं जानता, पर शायद ये कोई राजा महाराजा का ही तस्वीर है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ये भी इनको मैं नहीं जानता, शायद साईं बाबा जी हैं लगता है। और इसके बाजू में शनि मंदिर, शनि देव जी आप देख सकते हैं। ये सारे मंदिर जो है और मूर्तियाँ जो है अभी के समय में बनाया गया है, ये कोई ऐतिहासिक नहीं है, केवल गर्भगृह जो गर्भगृह है वो बस केवल एक ऐतिहासिक है, बाकी जो कुछ भी हैं अभी सब अभी बनाया गया है। ये हवन कुंड जो है यहाँ पर सावन के महीने में हर सोमवार को भंडारा होता है और महाआरती का आयोजन होता है और कीर्तन भी होता है। और ये भी बताया जाता है कि लगभग लगातार 4 दिनों का मेला भी लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम अंदर आए बाजू में बजरंगी दादा और भैरव बाबा जी हैं। अगर मूर्ति हैं तो समझ जाइए कि माता विरासनी जी हैं। यहाँ पर इसके आजू बाजू भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, खाली है। ये मूर्तियाँ भी जो हैं पुराने हैं, प्राचीन हैं, आप इन अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गणेश जी हैं, ये देखिए। आगे और देखते हैं कि परिसर में और कितने मंदिर हैं, कितने देवी देवताओं के मंदिर हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर जो है कलचुरी कालीन बना था, लगभग 11वीं शताब्दी में बना था, जो यहाँ पर राजा कर्णदेव राय राज किया करते थे। ये उमरिया जो है पहले रीवा रियासत में आया करता था, वहाँ के शासक शायद इसे बनवाया है, पर इसका कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है, बस एक अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ पर राधा और कृष्ण जी का मूर्ति है साइड में। चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ पर माता सीता जी, प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी हैं। यह गेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ दादा बजरंग बली का मंदिर। और आगे चलते हैं, यहाँ मंदिर परिसर का काफ़ी शानदार व्यवस्था है, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। ये साईं राम, जो कि साईं राम है, और देख सकते हैं यहाँ भी राधा जी और श्री कृष्ण का मंदिर है, मतलब यहाँ पर इनका 2 मंदिर है और बाकी इतने ही हैं। लेकिन यहाँ का जो है मंदिर परिसर जो है काफ़ी बड़ा है और बहुत ही शानदार है। शाम के वक्त अभी तो लगभग 5:40 के आसपास हो रहे होंगे, अभी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन शाम के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर डेली। सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं और हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। और जो मैं आपको बता दूँ कि गर्भगृह मंदिर जो है इसका पहले छत नहीं था, ये छत जो है अभी बनाया गया, गुंबद वगैरह अभी सब बनाया गया, ये कोई प्राचीनतम नहीं है, बस केवल गर्भगृह और गर्भगृह में जो शिवलिंग विराजमान है वो एक ऐतिहासिक है। यहाँ के कोई पुजारी से हम बात करते हैं कि वो इस मंदिर के बारे में और क्या क्या बता सकते हैं हमें। चाचा जी हैं यहाँ पर, अपने दुकान लगाते हैं नारियल फूल का, तो इन्हें
काफ़ी अच्छा तरीके से मालूम है कि मंदिर के बारे में बहुत अनुभव रखते हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि वास्तव में इस मंदिर का इतिहास क्या कहता है और आस्था से जुड़ी क्या है। पुरातत्व तो अपना दिखा दिया है कि एक मंदिर जो है कल्चुरीकालीन मंदिर है, लेकिन लोगों का आस्था क्या कहता है, चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो चाचा जी बताइए थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में। ये बहुत पुराना मंदिर है, 20,000 साल पुराना मंदिर है जी। ये पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु 10, 50, 100, 200, 400 आते रहते हैं, डेली आते हैं। तो ये बताते हैं कि आस्था से जुड़ी जो है इनका उत्तर है कि ये मंदिर जो है एक पांडव के समय का बनाया गया था, और इस मंदिर को किसने बनाया इसका किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये एक अनुभव के आधार पर ये बताया जा रहा है कि इसे पांडव ने बनाया, पर पुरातत्व भी ये कह रहा है कि इस मंदिर को जो है राजा कर्णदेव राय ने बनवाया था। और यहाँ के मंदिर और एक मणिबाग मंदिर है, जो ये दोनों मंदिर एक दूसरे से मिलते हैं, ये बताया जाता है कि रात के बने हुए हैं। हाँ, बताया जाता है कि दोनों एक ही रात में बने हैं, और जब दिन जब ढलता है तो सूर्य की पहली किरण यहाँ के शिवलिंग पर पड़ता रहा। पहले ये इतिहास की बात है, ऐसे लोगों बताते हैं, पर इतना कितना इसमें सच्चाई है और कितना झूठ कितना फसाना है ये कोई नहीं जानता। और जो मणिबाग का मंदिर है वहाँ पर जब सूर्य उदय होता है तो पहला किरण शिवलिंग पर पड़ता है, ऐसे ही है। और कुछ बता सकते हैं और वहाँ के बारे में तो नहीं, यहाँ के बारे में और क्या बता सकते हैं, है ना। बाकी जो हैं ये सारे जो बने हुए हैं ये सब अभी बनाया गया है। ओनली गर्भगृह जो है वो एक ऐतिहासिक है, जो अपने आप में बेमिसाल पेश करती है, अपने इतिहास को दर्शाती है। जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भी रहती है सावन के महीने में, यहाँ पर शायद मेला का आयोजन होती है, सावन के महीने में सावन महीने में मेला का आयोजन होता है, काफी भीड़ रहती है, और यहाँ पर श्रद्धालु अपने मन्नत मांगने आते रहते हैं। और 14 जनवरी को भी बताया जाता है कि यहाँ पर है ना लगता रहता है। यहाँ पर लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है, तो धन्यवाद चाचा जी आप बताने के लिए, है ना। यहाँ पर लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है, तो यदि आप लोग यहाँ पर उमरिया यदि कभी आते हैं तो एक बार सगरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, आप यहाँ पर जरूर आइए, आप भोले बाबा की दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में।